जबरदस्त, क्या वाला शाबाश मेरे पट्टे, शाबाश। अजी पागल आदमी, रहो बोल रहे नक्कू बोल रहे है, बच्चे कलेजा फट जाता था मेरा, इतना जोर से कौन चिल्लाते जी। जज्बात में कुछ भी नहीं सुधरता अपने को। हाँ, होश में कौन सा सुधरता बोल के? सही बोले देखो बेगम, अगर होश में सुधरता तो मैं तुम्हारे साथ शादी कहीं करता नहीं। मैं ये एप्पल में आज देख रहा हूँ, मेरे को डिस्टर्ब न को करो भाई, बोल दो ना बीच में तुम्हारो। ये आगे की तरफ भाग के अच्छा पकड़ा है कैच। अरे यारो, तुम्हारे चक्कर में एक विकेट चले गए मेरी। या तुम्हारे चक्कर में हमारी पूरी जिंदगी चली गई, हमारे को इतना अफसोस नहीं हुआ। ये सड़ी विकेट चली गई तो तुम्हारे को इतना अफसोस हो रहा? देखो क्रिकेट एक जुनून है, एक प्रोफेशन है खेलने वालों के वास्ते, तुम्हारे को क्या मालूम जी। वो जिसका है उसका होगा, तुम्हारे को से क्या मतलब? ये सड़ा आईपीएल देख के तुम्हारे को क्या मिलता? उन्हें सिक्स मारे तो तुम्हारे को क्या मिलता भाई? लॉटरी मिलती या कोई इनाम मिलता? तुम्हारे को वो सड़े सीरियल देखे तो क्या मिलता जी? सुकून मिलता। मेरे को भी आईपीएल देख के सुकून नहीं मिलता। फिर से छोटी गेंद। ये चार रन, क्या बात है शाबाश मेरे पट्टे, बैलन में मिला दिल लोगों तू, जबरदस्त। अजी, अरे मैं मैच देख रहा हूँ, प्लीज डोंट डिस्टर्ब प्लीज। अजी घर में गोश्त नहीं है जी, जाके लेके आना है। क्या बात है, बैट्समैन बॉलर के दिन में तारे दिखाते हुए। अजी दही भी खत्म हो गया जी, लाना है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, मैदान में लोगों का शोर, बैट्समैन में मारा छक्का लगा के जोर, वाह। ओ भाई रे इंसान, हरा मसाला भी नहीं है, बाहर से लाने का है। लाना है एफएल की ट्रॉफी अपने घर को लाना है, वाह वाह। बस भाई ऐसा नहीं होता, मैं हमारे माँ के घर को चली जाती हूँ। पहली बार खत्मों का सही इस्तेमाल। क्या बात, क्या बोले तुम? कदमों का सही इस्तेमाल। अरे मैं सुना ही नहीं भाई, तुम क्या बोल रहे थे? मैं मेरा मैच देखने में बिजी हूँ, कहाँ जा रहे थे तुम? हमारे अम्मा के घर को। अरे तुम मैके को गए तो मैं कितना खुश रहता मालूम ना जी तुम्हारे को। क्या बोले? नहीं मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, तुम मैके को गए तो मैं कैसा खुश रह सकता, ये बोलना चाह रहा था। अच्छा क्या हुआ जी? अजी क्या हुआ, एम्बुलेंस बुलाना क्या? अजी बोलो जी, क्या हुआ, क्या हुआ जी, बोलो जी। अभी एक विकेट चले गई जी। मारी तो तुम्हारी विकेट चल गई समझी थी ना। मेरा मैच बंद करो जी, सड़ाई पे। अरे बेगा, जब भी तुम मेरे से लड़ते ना, मेरे को मुफ्ती साहब की एक बात याद आती है। देखो वो क्या के उन्होंने बोलते थे कि बीवियां दो तरह के रहते बोल के। अच्छा जी हाँ, एक वो जो हस्बैंड की बात सुनती, हस्बैंड की फरमा बरदार रहती, उसके फीलिंग्स का ख्याल रखती, हस्बैंड के साथ मोहब्बत से पेश आती, गैर जरूरी खर्चा नहीं कर जाती हस्बैंड का। हाँ अगर हस्बैंड गुस्से में है तो बीवी उसका गुस्सा हंसी खुशी से बर्दाश्त करती। माशाल्लाह माशाल्लाह, समझ रही हूँ। और दूसरी तुम्हारी जैसी रहती लाखों डेंजर। मेरे को क्या कोई शौक है क्या तुम्हारे से लड़ने के वास्ते? हाँ मेरे को एक पागल कुत्ता काटा तुम्हारे से लड़ते बैठू मैं, जो तुम्हारा भाई काटता भी जी। जी चुप, मेरे को परेशान नको करो, बोल दे रही हूँ, नहीं तो मैं खाना अच्छा नहीं बनाती। देखो अरे ये जुल्म कहीं को भाई, हाँ ये बात को बात किया तरह ना भाई, चूल्हे तक नहीं लेके जाना, बोल दे रहा हूँ भाई। हाँ फिर हमसे घस लेना नहीं, फिर इधर उधर का गुस्सा हम लोग खाने पे ही उतारते। उसके अलावा आता भी क्या जी तुम्हारे, वैसे भी हमारे अप्रूवल के बगैर तुम खाना नहीं पका सकते। अच्छा उनके चीफ मिनिस्टर है अप्रूवल के वास्ते? ऐसा भूल गए, रोज में कहने आते से अजी जरा चक के बोलो नमक बराबर है क्या, अजी जरा चक के बोलो मिर्ची बराबर है क्या, चमचा लेके आते ना। तुम चमचा है बोल के चमचा लेके आते टेस्टिंग कराने के वास्ते। ओए उस्ताद को चमचा बोल रहेगा जी, तुम्हारे से अच्छा खाना मैं पका लेता हूँ। ऐसा तो आज खाना तुम ही पकाओ। मूड नहीं है मेरा आज।
सीधा सीधा बोलो ना जी, खाना बनाना नहीं आता तुम्हारे को बोल के। देखो बेगम, चुप घसलो नको भाई, तुम मेरे को बात सुनो, ये खाने का नाम नको लो भाई, बार बार मेरे को रोजा लग रहा। बिरयानी पकाओ खाते, तुम्हारे से अच्छी तो मैं पका लेता। मोटे चावल की तहारी बनाओ खाते। देखो बेगम, रोजा लग रहा भाई, मेरे को छोड़ दो प्लीज। अच्छा सुनो सुनो सुनो, सही सही बोलो, मैं मोटे चावलों की तारी कैसे पकाती हूँ? ओहो, जबरदस्त। वो तहारी की खुशबू सुन के शैतान खुद मेरे को बोलता, दुआ पढ़ ले रे भाई, ने तो पूरा खाना मेरे को खाना पड़ेगा बोल के, समझे? कैसे नाशुक्र इंसान है जी तुम। मैं तुम्हारी कितनी खिदमत करती हूँ जी, तुम्हारे पसंद नापसंद का खाना बनाती हूँ, तुम्हारा ख्याल रखती हूँ, तुम्हें को जो होना वो बना के देती हूँ जी, और तुम ऐसे ऐसे नाशुक्रे बाता करते। मैं क्या नाशुक्रे बाता करा भाई, अरे जो तुम पूछे मैं उसका जवाब दिया भाई। अब देखो क्या है, मैं रोजे में झूठ तो नहीं बोल सकता ना, खाली पीली रोजा मकरू हो जाता ना मेरा। अजी तुम मेरे को एक बात बोलो, तुम ऐसे शादी तो कर ली है, मगर बीवी क्या चीज है मालूम तुम्हारे को? मालूम। अच्छा बोलो क्या चीज है बीवी? बीवी कश्मीर के जैसी रहती, देखने में खूबसूरत, मगर लड़ाई का खतरा 24 घंटे रहता। कदर करो जी, कदर करो थोड़ा। बीवियां फूल के जैसी रहती, कोई आम के जैसी मिट्टी रहती। अच्छा? कोई खजूर के झाड़ के जैसी लंबी रहती। कोई संतरे के जैसी खट्टी मिट्टी रहती। ओफो। कोई स्ट्रॉबेरी के जैसे रस भरी रहती। कोई पपई के जैसी गर्म रहती। ओफो। और कोई अंगूर के जैसी नशीली रहती। वाह वाह, इसके वास्ते तो मेरे को फ्रूट सलाद पसंद है, सब एक ही कटोरी में। भाई तो अरे वालेकुम साहब। वालेकुम सलाम, और रज़ाक मियां खैरियत? जी जी अल्लाह का करम है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप खैरियत मुल्सा? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जी। अच्छा रज़ाक मियां, आप हमेशा मेरे से सवाल करते। जी जी बिल्कुल, आज मैं आपसे एक सवाल करना चाह रहा हूँ। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, ये हमारी खुशनसीबी है, पूछिए मुल्सा पूछिए। अब मैं जब भी आपके घर के सामने से गुजरता हूँ जी, आपके घर से हंसी की आवाज आती मेरे को। जी जी जी, ये खुशहाल जिंदगी का राज क्या है भाई, हमारे को भी बताइए ना। वो राज क्या है मालूम साहब? मैं मेरी बेगम को बहुत परेशान करता हूँ, तो उन्हें गुस्से में आके सामाना फेंकती, निशाना लगा लगा के मारती, लग गया तो उन्हें हंसती, नहीं लगा तो मैं हंसता हूँ। सिंपल साहब, ऐसी हंसी खुशी से मेरी जिंदगी गुजर रही। देखो साहब जी, रज़ाक मियां किसी दिन सर पे लग गई ना, आप गुजर जाएंगे। अरे यार टेंशन की बात नहीं है मुल साहब, बेगम की दूर की नज़र कमजोर है, दिखता ही नहीं, समझे आप? क्या बात है यार तुम्हारे। अच्छा खैर छोड़ो जी, अब ईद को दावत तो है ना, ईद की दावत हमारे को? नहीं नहीं है। क्या आदमी यार, ऐसा मुंह पे खुला मना कर देते नहीं है बोल के। अरे हम लगा दिया ईद नहीं कर रहे भाई, अम्मी के घर को जा रहे हैं ईद करने, जरा सब एक साथ करेंगे, अच्छा दिखता बोल के। ये काम जबरदस्त कर रहे रज़ाक मियां, ईद माँ बाप के बगैर ईद ईद नहीं होती भाई। जी ईद का मजा है बूढ़ों के साथ, बच्चों के साथ, घर वालों के साथ। जी जी वो ईद रहती। बराबर बिल्कुल सही बोले, इसके वास्ते जा रहा हूँ साहब। तो हमारी दावत को चवा फिरा दे बोलो आप। अरे नहीं मुल साहब, ईद के दूसरे तीसरे दिन करेंगे, कैसा करेंगे आप ही बोलो, कर देंगे वैसे। बोलो आप ही बोलो भाई। तो एक काम करो रज़ाक मियां, आप जी बाजार से जाके बेहतरीन देसी मुर्गी ला लो जी, फिर उसको हलाल कर दो जी, मीठे तेल में गुसल दे दो उसको जी जी, और दही का सफ़ेद कफन पिना दो जी जी, गरम मसालों का धुआं दियो जी जी जी, उसके बाद चावल के अंदर उसकी खबर बना दो जी 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 जी, उसके बाद आप हमारे दावत दो, हम आके खा के मगफिरत की दुआ करेंगे इंशाल्लाह। साहब सीधा सीधा बोलो ना, चिकन बिरयानी बनाओ बोल के आप। रज़ाक मियां समझदार को इशारा काफ़ी है। जी जी समझ गया आप साहब, मैं आपको चिकन बिरयानी बना के दावत दे देता हूँ ईद के बाद, कोई बात नहीं, हमारी आपकी मोहब्बत है, मगर आप शाम में अपने को समीर के जाना है, उसकी इफ्तार पार्टी है, मालूम ना दावत दिया उन्हें, याद है आपको? अरे यारो कैसा भूलते हैं यारो, वहीं जा रहा हूँ मैं, समीर के पास ही जा रहा हूँ। इतना जल्दी रोजा लग रहा है कौन साहब? नहीं मियाँ अपना दोस्त है उन्हें, अपन एकदम रोजे के टाइम पे गए तो अच्छा दिखता। नहीं नहीं क्या है, पहले जाके थोड़ी हेल्प करे सर का भी हो जाता, कितना भी बोलो दोस्त है ना उस्ताद। बराबर बराबर बराबर, वहीं जा रहा था तो फिर चलो मैं भी आता, क्या कर रहा हूँ बैठ के बोर मार रहा हूँ, चलो मुल्ला चलो। चप्पल पहन ले क्या? अरे अब नहीं जा सकते जी, बेगम गुस्से में है, चलो मुल्ला। अरे क्या गाड़ी स्टार्ट नहीं, पेट्रोल डलाऊंगा मुल्ला।
अरे नहीं मियाँ, पेट्रोल फुल रहता माशाल्लाह से। चले गए नू, इतना टाइम लगा रहे। इतनी देर हो गई। क्या है जी, ये कोई टाइम है घर लौटने का? 12 बज रहे रात के। ये तो क्या हुआ, रमजान है, सब चलता। तीन तीन चार चार बजे तक लोग बाहर रहते। तुम कहाँ थे अभी? मैं यही हमारे दोस्त के पास इफ्तार पार्टी में गया था। वही तो इफ्तार ये टाइम तक चलती? नहीं जी, वो तो जब भी छो गया। मैं घर को आएंगे बोले तो अरे यार वो जरा हेल्प करो, बोला दोस्तों में पूरा गया सामान उठा के करके सप्लाई कंपनी में डाल के करके आए। हाँ बहुत मदद करे ना दोस्तों की। हाँ। कभी ऐसी मदद मेरी करे तुम। हाँ। कभी किचन में, कभी इफ्तारी बनाने के वास्ते, किसी भी चीज में हेल्प करे तुम मेरी। क्या जरूरत जी तुम्हारा, तुम खाली तुम्हारा और मेरा अकेले का नहीं बना सकते, क्या जरूरत बोलो तुम। जान दो जो तुम्हारे से बात करना ही वेस्ट है। वेस्ट है तो वेस्ट है भाई, कहीं वो करते बात हमारे से। हम फिर हम उसके बाद हम घर को आएंगे बोले, हमारे को बोर मार रहा था तो हम एक्सपो को चले गए। एक्सपो? हाँ। रमजान के महीने में घर में बैठ के इबादत करने से बाहर एक्सपो पार्टी वार्टी में नहीं जाना। एक्सपो में क्यों गए तुम? हमारी मर्जी भाई, हमारे काम था कुछ, हम गए। क्या काम था? नहीं बोलते हम, हमारी मर्जी। अरे जो नको बोले। अरे जानते जानते भाई, नाराज नको हो जाओ। देखो मैं एक्सपो एक्सपो सिर्फ आपके वास्ते गया था, ये सूट लाने के वास्ते, आपके वास्ते। मेरे वास्ते? हाँ। शुक्रिया शुक्रिया जी, शुक्रिया। नहीं पूछते कहीं कुल है बोल के। अच्छा कहीं कुल है, कैसा है? तुम देखो ये रमजान के मुबारक महीने में पूरा दिन रोजा रहते हुए, हाँ आप जो है सो अपनी नींद को, अपने सुकून को, अपने चैन को कुर्बान करके मेरे वास्ते इफ्तारी की तैयारी करें। रात में अपनी नींद कुर्बान करके सहरी की तैयारी करें। फिर जो है सो मैं आराम कर रहा हूँ तो आप जो है सो मेरे वास्ते कभी एसी डाले, कभी फ़ैन डाले, कभी मेरे पैर दबाएं। आप खुद रोज़े में रहते हुए जो है सो मेरी इतनी खिदमत करें तो आपकी कुर्बानी को जो है सो मैं ज़ाया नहीं कर सकता और उसका जो है सो एहसान भी नहीं चुका सकता। उसके वास्ते बस तोहफे में आपके एक छोटा सा सूट ला के दे दिया ताकि आपको जो है सो खुशी महसूस हो, आपको जो है सो अपनापन दिखे। बोलिए जी। शुक्रिया जी। तो अब मैं क्या सोच रहा था, आपका है ईद भी बहुत करीब है तो जो है सो अपन ईद यहाँ घर में अकेले अकेले करने से अच्छा है अम्मी के घर को जाके अम्मी के साथ ईद करेंगे, क्या बोलते? मैं भी वही सोच रही थी, अपन लोग अकेले क्या करेंगे, इधर अम्मी के पास जाएंगे, उनको हेल्प हो जाएगी थोड़ी। चलो तो फिर अब रेडियो तो चल लेंगे, हो गया ना, दो तीन दिन हमारी तरह से कर लेंगे। ठीक है ठीक है, अभी आते हैं जल्दी जल्दी। तो गाइस अस्सलाम वालेकुम, आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आप जो है सो अपने माँ बाप के साथ, अपने ख़ानदान वालों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ ईद करो। क्या है घर के बड़ों और बच्चों के बगैर ईद ईद नहीं दिखती। रमज़ान कब आया और कब चलेगा महसूस भी नहीं हुआ। अल्लाह ताला जो है सो रमज़ान के मुबारक महीने में आपको हमको जो है सो हमारे अगले पिछले सारे गुनाह माफ़ करे और हमें अगला रमज़ान भी जो है सो नसीब करे। किसको मालूम कि अगला रमज़ान हमको मिलेगा नहीं मिलेगा। ये रमज़ान के मुबारक महीने के जितने दिन बचे हुए अच्छे से इबादत करिए और अपने और बड़ों की मगफरत के लिए भी जो है सो दुआ करिए। कुछ बोलना है? बस रमज़ान मुबारक। ईद मुबारक जी, ईद मुबारक। ईद मुबारक, ईद मुबारक। आई होप आप सबका रमज़ान बड़ा अच्छा सा बीता होगा। तो डन गाइज, थैंक यू सो मच फॉर सो मच लव एंड सपोर्ट। हम लोग अभी जो है सो आपको ऐसे एंटरटेन करने की कोशिश करते हैं। इंशाल्लाह ताला रमज़ान के बाद नई सीरीज़ के साथ आप लोगों से मुलाकात करेंगे। बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़। ईद मुबारक इन एडवांस। ईद मुबारक। बिलाल भाई कुछ करना चाह रहे थे, आ जाइए। आइए मुल साहब, बिलाल मुल साहब। आइए आइए, हमारे बिलाल मुल साहब भी हाजाफी मौजूद इन द गार्डन। ईद मुबारक।